आज देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस भारत की एकता और अखंडता की बात पूरा विश्व करता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। तो आइए जानते हैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ अनकही अनसुनी बातों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शादी मात्र 16 साल की उम्र में हो गई थी और जब सरदार पटेल 33 साल के थे तो उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कानून की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सरदार पटेल ने वापस अहमदाबाद आकर अपनी वकालत शुरू कर दी। सरदार पटेल ने गांधी जी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला और सबसे बड़ा योगदान 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था, जब खेड़ा में सूखा पड़ा था जिससे किसान की सारी फसलें खराब हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कर से कोई राहत नहीं दी थी और किसानों पर कर का जोड़ बढ़ते जा रहा था, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ये वही समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत को छोड़कर सामाजिक जीवन में कदम रखा था। इस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल ने 1928 में बारडोली में एक और किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लोहा लेने के बाद वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दे दी थी। इसके साथ ही गांधी जी ने भी उन्हें बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था। देश का विभाजन और आजादी मिलने के बाद सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण किया था और अखंड भारत का निर्माण भी किया था। उनके इस योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। देश के विभाजन के बाद भारत कई खंडों में बटा था। इसको एक करने में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अलग अलग जगहों के रजवाड़ों को एक साथ लाना। इसको लेकर गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो शख्स हैं जो इसे हल कर सकते हैं, जिसको सरदार पटेल ने बखूबी कर दिखाया, जिसके बाद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहकर संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को अच्छी तरह समझे और भारतीय संघ के लिए उनकी निरंतरता को जरूरी बताया। सरदार पटेल ने भारत के प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर बहुत जोर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। 1991 में उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसी भी देश की एकता और अखंडता उस देश का आधार होता है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा और इस देश के अलग अलग राज्यों को एक माला में पिरोने का काम किया। सरदार पटेल हमारे देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार थे। यही वजह है कि पूरा देश 2014 से हर साल उनकी जन्मतिथि को एकता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये मूर्ति देश की एकता अखंडता में दिए गए योगदान को दर्शाती है।